हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में एक फीचर होता है, जब आप परचेज वाली एंट्री पास करते हैं तो उसी में ये फीचर आपको देखने में आता है। सेल्स में भी आप देख सकते हैं इसे। तो देखिए, यहां से वी बटन प्रेस करते हैं और सीधा कहां चलते हैं, F9 प्रेस करके चलते हैं परचेज वाउचर में। तो अभी हम परचेज वाउचर में है। जब आप परचेज वाउचर में कोई भी, अच्छा कोई लेजर अगर बनाना है तो क्या डायरेक्ट यहां से बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर वो लेजर क्रिएट करते हैं, हम खाता बनाते हैं। तो यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी है जिसका नाम है राम एंड सन्स। ये क्रेडिटर पार्टी हमारी, और इसका ग्रुप जो है सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ये जान लीजिएगा कि क्रेडिटर पार्टी का ग्रुप जो है सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि ये ऑप्शन नजर ही ना आए। तो नजर ना आए तो ये किस कारण से नजर नहीं आता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है? तो यहां से क्या करेंगे, यहां से प्रेस करेंगे F11 की, ठीक है? F11 की प्रेस करेंगे, और F11 की प्रेस करने के बाद यहां देखिए इनेबल बिल वाइज एंट्री। अगर इसको मैं नो कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको नो कर दिया और यहां से कंट्रोल ए करता हूं, और अब वापिस आते हैं वही परचेज की एंट्री पास करने के लिए। और यहाँ पर जो भी आपका क्रेडिटर पार्टी का लेजर है, यहाँ पे बनाते हैं किसी भी नाम से। तो यहाँ पर एक लेजर मैं बना रहा हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल रहा हूँ इसे, क्योंकि ये क्रेडिटर पार्टी ही है। तो देखिए, यहाँ पर अब मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वो जो ऑप्शन था वो नहीं शो हो रहा है। तो ये किस कारण से नहीं शो होता है? इसलिए नहीं शो होता है क्योंकि आप यहाँ पर दिक्कत कर देते हो। यहाँ पर जब आपको एंट्री पास करनी होती है तो यहाँ पर F11 प्रेस करते समय यहाँ पर इनेबल बिल वाइज एंट्री जो है ये ऑफ हो जाती है, नो हो जाती है। तो ये ऑन करना जरूरी, क्योंकि जब आप पेमेंट करने जाएंगे या पेमेंट रिसीव करने जाएंगे तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट कर लेगा एंट्रीज को, इस वजह से इसको ऑन करना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी यूज कीजिएगा तो इसको ऑन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? ओके।